चिंतामणि रत्न को सैफोडाइट क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। चिंतामणि का उल्लेख विष्णु पुराण और योग वशिष्ठ में पाया जाता है और इसका संबंध भगवान विष्णु, गणपति और नागराज से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। इसका उल्लेख सनातन हिंदू तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी हुआ है। यही नहीं, साईं बाबा की पुस्तक श्री साई सत चरित्र में चिंतामणि का उल्लेख समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार चिंतामणि वो मणि है जो मनुष्य की हर चिंता को दूर कर प्रत्येक इच्छा को पूरी करने में समर्थ है। मनपसंद नौकरी पाने के लिए, रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने के लिए, विवाह की रुकावटों को दूर करने के लिए, ग्रहों की शांति के लिए, किसी भी संबंध को प्रेम पूर्वक बनाने और सुधारने के लिए, नजर, भूत प्रेत, जादू, टोने टोटके के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, व्यापार और काम में आई रुकावटों को दूर करने के लिए, जादुई मंत्रों के द्वारा या गलत खिलाने पिलाने के कारण आए दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए, शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण के लिए जैसे डिप्रेशन, चिंता, तनाव और किसी भी रोग से मुक्ति के लिए, जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उनके मस्तिष्क को एकाग्र कर परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने और हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए वरदान का काम करता है। काले रंग के शुद्ध चिंतामणि रत्न की यह पहचान है, जब इसे रोशनी की तरफ करके या मोबाइल की रोशनी में देखा जाए तो यह पारदर्शक दिखता है, यानी रोशनी इसके आर पार दिखती है। इसे हथेली पर रखकर अपनी परेशानी और इच्छा इसे बोलने से यह शीघ्र परेशानी दूर कर इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है। उत्तम है यदि अपने पूजा घर में इसे धूप बत्ती या अगरबत्ती के धुएं में घुमा कर रखें, रात सोते समय इसे हथेली पर रखकर इच्छा बोलकर इसे सुनाएं, उसके बाद अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले इसे फिर से हाथ में रखकर अपना इच्छा कहें और पूजा घर में रख दें। इच्छा पूरी होने तक कुछ दिन ऐसा करने से ये उत्तम वरदान साबित होता है। यात्रा में अपने साथ रखने से यह सुरक्षा के साथ आपके काम में सफलता देता है। इसे कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंतामणि रत्न के साथ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई दूसरा क्रिस्टल रखकर उपयोग न करें, ना ही इसे नमक के संपर्क में आने दें, वरना इसे नुकसान हो सकता है। यदि शुरू में इसे हाथ में लेने से शरीर में बहुत वाइब्रेशंस अनुभव हो तो इसे पकड़ने का समय धीरे धीरे बढ़ाएं और ऊर्जा संतुलित होने पर, इससे संपर्क स्थापित होने पर इसे इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल करें। इसे अंगूठी, लॉकेट आदि के रूप में पहनने या स्टोन को पास रखने से यह पूरी तरह से सुरक्षा या स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसे स्टडी टेबल पर, फैक्ट्री के, पूजा स्थल में या ऑफिस में रखने से पूरी तरह शुद्धता और सकारात्मकता आती है। ये एक सच्चे साथी का काम करता है, जिसे आप जब चाहें बातें कर सकते हैं, अपनी हर समस्या शेयर कर सकते हैं और सरलता से सफलता उपाय प्राप्त कर सकते हैं।